हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो है माय मे/जून फेवरेट्स। आई कुड नॉट फिल्म अ मे फेवरेट्स एंड एज यू माइट नो दैट आई वाज ट्रैवलिंग टू कोरिया एंड आई कुड नॉट फिल्म इट क्योंकि मैं जून के मिड में ही आई थी। बट आई थॉट कि लेट्स डू अ मे/जून फेवरेट्स क्योंकि ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू मिस ऑन द सीरीज ऑफ माय फेवरेट्स। आज के फेवरेट्स में देयर आर अ लॉट ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर, स्किन केयर, एवरीथिंग एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ मूवीज। आई वॉच्ड अ बंच ऑफ मूवीज इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। आपके लिए बहुत अच्छे यू नो रिकमेंडेशन होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट मूवीज टू वॉच, व्हाट न्यू movies to watch on Netflix, and without any further ado guys, let's get into the video. Okay guys, so starting with no particular order, I feel like we can go with body care sabse pehle. So in body care I loved two body washes a lot and ye wo dono hain, as you can see both of them are pretty much finished. Let's talk about the Bud and Berries ka inka moisturizing body wash in the flavor macadamia and vanilla. I showed you guys this one in one of my Nykaa hauls also. Mujhe ye wala brand specially bahut pasand hai in terms of body wash. Sabse pehle baat hai ki they are very affordable and they always have koi सेल गोइंग ऑन, सो दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। 200 रुपीज के अंदर कोई एक बॉडी वॉश मिल रहा है जो इतना अच्छा काम करता है कि जो फ्रेग्रेंस है स्पेशली दिस वन, दिस इज वेरी स्वीट एंड वेरी लाइक यू नो लॉन्ग लास्टिंग। एंड जो इनका बॉडी वॉश का जो फिनिश है इट इज so good guys, your skin literally feels so hydrated after the body wash. Apply a good you know body lotion iske upar and then you're good to go for the entire day. I have tried their rose wala variant also. I absolutely love this like brand for body washes a lot. Next on coming to guys is this one. This is the Plum Body Loving ka shower gel in the variant Orchid You Not, and this is a very nice floral kind of a fragrance, little bit like a perfume. Iske notes hai, they basically orchid, red apple and grapefruit. Also you will feel a little musky and tan kind of a fragrance भी आपको आती है। If you're into that, you will absolutely love it. This is kind of a, you know, ऐसा लग रहा है कि आप कोई perfume लगा रहे हो अपनी body में in terms of a shower gel, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। This also lathers up really well on your body. This also deeply cleans your body, leaving that you know very hydrated kind of a feeling. Plum Body Loving के I feel like I want to try more shower gels. One is an absolute love right now. So talking about body care only, let's talk about my favorite body lotion / body milk. If you know guys that मुझे Nykaa का body milk बहुत पसंद है। इसके बारे में मैं 50 लाख बार ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, बट दिस इज एन एब्सोल्यूट लव गाइस। ये मेरा खत्म हो चुका है। आई ऑलरेडी हैव अ बैकअप, दैट इज द चेरी ब्लॉसम वेरिएंट। दिस वन इज द वंडरलस्ट मेडिटेरेनियन सी सॉल्ट। द बॉडी मिल्क फ्रॉम Nykaa मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। दिस इज अ वेरी अंडररेटेड प्रोडक्ट फ्रॉम Nykaa बाय द वे। इफ यू हैव नॉट ट्राइड इट गाइस, गो ट्राई इट राइट नाउ। सबसे बड़ी बात है कि इट इज अ स्प्रे, सो स्प्रे को पूरी बॉडी में लगाना बहुत आसानी है। मेरा खत्म हो चुका है। ओह, स्टिल यू हैव सम ऑफ इट। आपको इसको बस अपने पूरे बॉडी में ऐसे लगा देना है एंड सी, यू आर लिटरली डन। लाइक आपका बॉडी लोशन इज सो एब्जॉर्ब्ड इन योर स्किन एंड इफ यू कैन सी माय हैंड लिटरली फील्स सो डैम हाइड्रेटेड। लाइक ऑन अ ट्रैवल बेसिस ये परफेक्ट है क्योंकि आपको यू नो फटाफट अपने पूरे बॉडी में लोशन लगाना है। विद अ स्प्रे इट इज वेरी इजी टू डू इट। का जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसके जितने भी वेरियंट है फील लाइक आई वांट ट्राई ऑल ऑफ देम। अभी तक मैंने ये इसी के दो लिए हैं द सेम वेरियंट, बट नाउ आई एम ट्राइंग द चेरी ब्लॉसम वन। द चेरी ब्लॉसम वाला फ्रेग्रेंस इट इज मोर स्वीट फ्लोरली काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। दिस इज मोर टुवर्ड्स सी एंड यू नो वेरी ब्रीजी काइंड ऑफ अ थिंग। Not tried a body milk guys, you need to try this right now. Now let's move on to skincare guys. So sabse pehle let's talk about a face wash that I have been obsessed with, literally obsessed with. This is the Dr. Balmer's ka inka foaming cleanser. You don't get this in India, very unfortunately. I got this one from Korea and pure June maine isko yahi lagaya hai. This is so good guys. This is the Dr. Balmer's daily repair foaming cleanser. I wish ki ye India mein milta. Iska literally itna sa size and you're good to go, kyunki ye na isko acche se aap apne foam करते हो, ये बहुत अच्छे से आपको यू नो डीपली क्लीन करता है। सो आई यूज इट स्पेशली यू नो क्योंकि मैं रात को लगाती हूँ अपनी एक एक्ने क्रीम, बट आई विल शो यू कि मैं कौन से लगाती हूँ। तो उसको ये डीपली क्लीन करने में हेल्प करता है क्योंकि मैं उस क्रीम को पूरी रात में लगा के रखती हूँ एंड दिस जस्ट हेल्प्स मी क्लीन इट वेरी नाइसली इन द मॉर्निंग। आई यूज इट फॉर दैट पर्पस अ लॉट। सेकेंडली दिस इज अ वेरी नाइस फोमिंग क्लेंजर जो आपको एक अच्छी हाइड्रेटेड फील देता है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्लेंजर जो आपको डीपली क्लीन करता है विदाउट मेकिंग योर स्किन वेरी ड्राई। डॉक्टर बामर, इफ यू आर हियरिंग दिस, इफ यू लिसनिंग टू दिस वीडियो, प्लीज गेट दिस वन इन इंडिया। ये बहुत जरूरी है हमको इंडिया में लाने के लिए। Nykaa पे अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी नहीं अवेलेबल। ये इंडिया में आना चाहिए एंड आई वांट दैट यू गाइस आल्सो ट्राई दिस वन आउट वेरी 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 सून। आफ्टर द फेस वॉश यू नो आई फील लाइक बाय नाउ एवरीबॉडी नोज माय फेवरेट करंट मॉइस्चराइजर ऑब्सेशन एंड दैट इज द सिंपल का मॉइस्चराइजर। दिस इज द सिंपल का हाइड्रेटिंग जेल क्रेम फॉर 100 आवर हाइड्रेशन। दिस इज अ वाटर बूस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। ये हमारा खत्म हो चुका है, दिस इज कम्प्लीटली गॉन। वी ऑलरेडी हैव अ बैकअप फॉर दिस वन, सो यू कैन सी नाउ गाइस कि मैं इससे कितना ऑब्सेस हूं। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉट इन माय स्किन केयर रूटीन ऑल्सो।
also, so go watch that video. इसके बारे में I've talked a lot about that in my detailed skincare video. 100 hour के बारे में मैं नहीं बोल सकती, but 24 hours के लिए yes it does it. Secondly, this is a gel. So basically this will help you keep your skin hydrated throughout the day, especially in summers. Heavy feeling नहीं देता आपके face में. Like this has helped me repair my skin barrier over time. मेरा skin barrier है, I have only treated it because of this moisturizer. क्योंकि इसने मेरे skin बहुत ठीक किया guys. If you have a very disturbed skin barrier and very irritated skin barrier like mine, तो मैं makeup लगा लिया है. But if you have something like this, this one is your best friend, guys. Get this one right now. This is not that expensive, also very affordable. You can definitely get your hands on this one. This is available on Nykaa and Amazon. So जहाँ पे भी cheapest होगा, I will put the link below. So go check it out and get this one right now, guys. As I said that I want to talk to you guys about my acne cream, and what I've recently started using is this Curodol Anti Acne Gel. This is basically helps in fighting acne and pimples very fast. This is basically a hormonal acne cream जो मुझे मेरे पापा ने लाके दी थी. He ordered this from Amazon and he was like, "But try करके देखियो." इसको मैं रात को लगाती हूँ अपने पूरे दिन जहाँ पे भी मुझे acne है. If you can see, यहाँ पे मुझे बहुत acne हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है. A lot here also. So, इसको मैं रात को लगा लेती हूँ on all my acne parts and I just sleep on it and I'm good to go in the morning. So, इसको मैं बहुत ही regularly use कर रही हूँ and in my recent What I Ate in a Day shorts में भी somebody pointed out कि I have used this one. So, they said कि ये hormonal acne के लिए बहुत अच्छी होती है. This is absolutely a good one. If you have hormonal acne, feel like trying out this would be good for you. Consult your doctor and then only use it. I'm not promoting it in any ways कि आप जाके ये ले लो, but मेरे को काम किया है. Still trying it on my own. जो भी होता है इसमें मेरी गलती होगी. Like right now I'm on my period and whenever it is going to come, like मुझे पता है मुझे होने वाला है. So उससे around 10 days पहले I start getting all these acne and that is why I know कि मुझे hormonal acne है. So every alternative day use करती हूँ and I'm just trying it out कि मुझे कैसा लगता है. So guys, now coming down to the beauty section of the video. So one of my favorite lip liners has been the Mars का the Edge of Desire lip liner. This is literally one of my favorites. मैंने आज भी लगाया है to outline my lips. This is the Mars Edge of Desire lip liner in the shade guys Deep Dawn 02. This is a very nice brown shade for like an everyday use. Like outline my lips with this and I'm good to go. This is super affordable, only for rupees 69 guys. 69. जहाँ पे आपको MAC के liners 1000-2000 के मिलते हैं. I feel like Mars and Swiss Beauty are killing it with their lip liner formulation. Before going, you know, high end, try and use these ones. They are super good. I'll just show you the shade also. This is the shade, guys. Very nice brownie shade. And जो कि ये ombre effect बहुत चल रहा है आजकल, उसके लिए भी ये bestest है. So as we all know कि lip glosses have made a comeback, and this one from Swiss Beauty absolutely amazing. Again, very affordable. This is the Swiss Beauty Plump Up Wet Gloss. This is in the shade, guys, Mauve Muse. This is shade number 5. This is not a clear gloss. ये है आपका tinted gloss. I will show you the color also. As you can see, this is a very pink kind of a color. And आपको दिख रहा होगा ये हल्का सा, you know, reflect करता. Love it. I absolutely love it. I love to use this especially with the lip liner. Like ये दोनों मेरा bestest combo and to go every single day. Just outline my lips with this क्योंकि मैं हल्का सा fill करती हूँ. Then I use just this on the top. Good to go. Very affordable lip combo right now. So the second lipstick that I've been loving is the one from Etude House. This is their Fixing Tint, by the way. This is in the shade Dusty Beige. This is a very nice tint. Again, this will stay in your lip throughout the day. I've tried and tested this one, guys. अगर आप कुछ भी खाते हो ये आपके lips में से नहीं जाती है. कुछ भी कर लो ये lips में से नहीं जाएगी. This is a very good formula. Indian skin tones के लिए perfect है. मैं उसका shade दिखाती हूँ. So this is a very nice mauve shade if you can see. और every day के लिए तो ये best है. If you are a college going or a like office going girl, ये guys आपके लिए bestest होने वाला है क्योंकि ये आपके lips में लंबा last करेगा. Without you know like touching up every second. Last two beauty products that I have are, सबसे पहले I have the blush. This one is from Maybelline. I have talked about it कि मुझे पसंद नहीं है highlighted blush बिल्कुल भी. But now I am loving them a lot. मैंने ये आज भी लगाया है अपने इस पे. See. Like this is super buildable. ये आपको हल्का सा ग्लो देगा, लाइक नॉट अ वेरी हार्श ग्लो बट अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्लो. रेयर ब्यूटी हैज कम आउट विद अ ग्लोई ब्लश, सो आई फील लाइक वो ट्रेंड वापस आने वाला है. दिस वन इज एन अफोर्डेबल वन जो आप अभी ले सकते हो. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ब्रशेज, मार्स के ब्रशेज आर वन ऑफ माई फेवरेट ब्रशेज. टॉक्ड अबाउट दिस इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो. ये सारे ब्रशेज है मेरे पास. ब्रिसल्स है ना गाइज, दे सो गुड. लाइक दीज आर सुपर अमेजिंग. एंड इनका एक सिक्स पैक का ब्रश का सेट आता है, आर्सेनल ब्रश सेट, वो आप ले सकते हो.
करते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका ये आई ब्रश है ना, ये भी मुझे बहुत पसंद है, जस्ट टू ब्लेंड योर आई शैडोज लाइक दैट। नाउ वी आर कमिंग डाउन टू मूवीज एंड सीरीज दैट आई वॉच्ड। सबसे पहले आई वॉच्ड गाइस मूवी रेड आई। इट इज अ मूवी ऑन अ फ्लाइट, इट इज अ थ्रिलर। सबसे पहले इट्स अ थ्रिलर, आई डोंट वांट टू गिव आउट द एंटायर थिंग, बट इट्स बेसिकली अबाउट अ गर्ल जो अपनी फ्लाइट से ट्रेवल कर रही होती है एंड शी इज गोइंग टू मीट हर डैड। एंड देन फिर एक लड़का आता है, लाइक यू नो ट्राइज हिज वे टू लाइक बात बात करता है लड़की से, अचानक से वो उसको मैनिपुलेट करता है इन डूइंग समथिंग दैट शी डजंट वांट टू डू। एंड हाउ दे एंड अप यू नो लाइक टैकलिंग दैट आउट, स्पेशली इन अ फ्लाइट जहां पे आप इन अ कन्फाइंड स्पेस में वहां से जा भी नहीं सकते। इफ यू आर इनटू थ्रिलर मूवीज यू विल एब्सोल्युटली लव दिस वन। ये बहुत ही लाइट वॉच है, नथिंग वेरी ऐसे मारना वारना ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ गुड थ्रिलर मूवी, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वन। नेक्स्ट मूवी दैट आई वॉच्ड इज कॉल्ड इंट्रूजन। दिस इज अ हॉरर स्लैश थ्रिलर मूवी अगेन। इसमें बेसिकली क्या होता है, कपल होता है, लाइक दे हैव बॉट अ हाउस जो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है लाइक एवरी अदर हॉरर मूवी। एंड वहां पे वो लाइक जो पति पत्नी है, दे हैव बीन टुगेदर सिंस लाइक आई थिंक सो 6-7 साल से साथ में है। वाइफ है, शी गेट्स टू नो अ वेरी डार्क थिंग अबाउट हिज हस्बैंड जो उसने इतने साल तक छुपा के रखी थी। एंड इट्स अ गुड थ्रिलर, अगेन अ गुड थ्रिलर मूवी। इसमें लिखा हॉरर है बट इट इज अ गुड थ्रिलर मूवी, लाइक द वाइफ गेट्स टू नो अ डार्क पार्ट ऑफ हर हस्बैंड जो उसको थोड़ा सा नहीं पता होता है। नेक्स्ट मूवी दैट आई वॉच्ड वॉज द वीकेंड अवे। इसमें द मेन लाइक जो एक्ट्रेस है शी इज बेयर वॉल्ड्रॉफ फ्रॉम गॉसिप गर्ल्स, मुझे बहुत अच्छी लगती है। नाउ इस मूवी में क्या होता है, इट्स अगेन अ थ्रिलर मूवी जिसमें शी गोज आउट विद हर बेस्ट फ्रेंड टू अ डिफरेंट कंट्री फॉर अ वेकेशन। वहां पर जिसकी वो फ्रेंड है वो खो जाती है एंड देन शी फाइंड्स हर आउट कि वो कहां गई कैसे गई। आप एंड तक सोच रहे हो कि अब इसमें होगा क्या। सो अ मूवी लाइक दैट ये भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मूवीज दैट आई वॉच्ड आर और हॉरर मूवीज। फोर्थ वन दैट आई वॉच्ड इज वीजा बोर्ड। वीजा बोर्ड तो नहीं बोलेंगे इसको, जो वो गेम है वीजा उसके ऊपर है। सो बेसिकली एक बोर्ड गेम है, ठीक है। एंड जो फैमिली होती है यू डोंट हैव अ फादर, देयर इज ओनली मदर एंड टू डॉटर्स। तो वो लोग ना लोगों को स्कैम करते हैं बता के कि जो भी आपका बिलोविड जा चुका है वी कैन टॉक टू देम एंड दे आर बेसिकली स्कैमिंग पीपल दैट वे, बट दे गेट अ रियल वीजा बोर्ड एंड देन उसके बाद क्या क्या होता है, इट्स ऑल हॉरर। दिस इज अ कंप्लीट हॉरर मूवी। आई फील लाइक लोग इसकी एंडिंग थोड़ी अच्छी कर सकते थे बट उन्होंने करी नहीं, बट इट्स अ हॉरर मूवी। इफ यू आर इनटू दैट यू कैन डेफिनेटली वॉच इट। द नेक्स्ट मूवी आई वॉच्ड इज कॉल्ड बार्बी रियान एंड इट्स बेसिकली अगेन अ हॉरर मूवी बट अ वेरी क्रीपी मूवी। मुझे बहुत क्रीपी लगी, आई फील लाइक आई डोंट वांट टू सजेस्ट यू गाइस आल्सो कि इसको आप देखो। इट्स अ वेरी सुपर क्रीपी मूवी जिसमें बेसिकली एक एयरबीएनबी है जहां पे एक लड़की आती है एंड देन शी रिंग्स द बेल एंड वहां पे ऑलरेडी कोई रह रहा होता है बट शी हैज बुक डेट फॉर हरसेल्फ एंड शी इज लाइक कि यहां पे वो लड़का रह कैसे रहा है। एंड देन दे फाइंड आउट कि ना कुछ नीचे बेसमेंट में हो रहा होता है एंड इट्स अ वेरी क्रीपी थिंग। मुझे लगता है ना आपको देखनी चाहिए बट इफ यू आर इनटू क्रीपी मूवीज यू कैन गिव दैट वन अ वॉच। गाइस नेक्स्ट आई वॉच्ड कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 इज आउट, आई एम सो हैप्पी एंड मैंने वो पूरा देख लिया। इट हैज 5 एपिसोड्स, एब्सोल्युटली लव इट। एंड में लास्ट एपिसोड गाइस आई वाज क्राइंग बट इट्स अ वेरी गुड सीरीज। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड कोटा फैक्ट्री बिल्कुल भी वॉच इट राइट नाउ। इट्स बेसिकली अबाउट कोटा में बच्चे आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, उनकी वहां पे लाइफ क्या होती है एंड हाउ यू आर टेकिंग द प्रेशर मेंटली। द थर्ड सीजन है इसमें दे हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट द टीचर्स, यू नो कि वो लोग क्या सोचते हैं अबाउट स्टूडेंट्स एंड उन लोगों की लाइफ कैसी होती है। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी टेकिंग दैट मच प्रेशर बट लाइक टीचर्स में भी उतना प्रेशर होता है। एंड माई फेवरेट एक्टर जितेंद्र कुमार इज इन दिस सीरीज एंड आई लव वॉचिंग हिम। देन आई ऑल्सो वॉच्ड पंचायत, उसका भी सीजन 3 आ चुका है, एब्सोल्युटली लव दैट ऑल्सो। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड पंचायत गो वॉच इट राइट नाउ, इट इज ऑन एमेजॉन प्राइम। इट्स अ वेरी गुड देसी कॉमेडी काइंड ऑफ अ सीरीज जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इट्स बेस्ड ऑन अ विलेज, एक गांव में क्या होता है उन सब चीजों के बारे में है। इसलिए जितेंद्र कुमार है माय फेवरेट एक्टर, सो गो वॉच इट ऑल्सो। एंड लास्टली दैट आई वॉच्ड इज अ मूवी कॉल्ड गेट आउट। इट्स अ हॉरर मूवी अगेन एंड इसमें बेसिकली इट्स अबाउट ब्लैक पीपल। एक व्हाइट फैमिली है, दे आर अबडक्टिंग ब्लैक पीपल एंड वो क्या करते हैं, उनके ब्रेन ट्रांसप्लांट करते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। इट्स ऑल्सो गुड मूवी बट इट्स अ वेरी स्लो मूवी। इट्स ऑल्सो गुड वॉच। और एंड में क्या होता है, दैट इज बेसिकली where all these movies are at. And yeah guys, with that we come to an end to this video. I really hope you enjoyed this one and I know this is a very very long video and a lot of movies series recommendations are in this video. So yeah guys, and I really hope you enjoyed this one and if you did you know what you have to do. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. As of right now we are on 1.99k subscribers guys. I wish we can hit 2k super soon. I love you all so damn much. Our giveaway is gonna come very very soon once we hit 2k subscribers and yeah, I will see you guys in my next one. Never been to California, never.